हेलो दोस्तों, दिस इज रमी राइडर फ्रॉम एनसीआर मोटरसाइकिल। दोस्तों आज की जो वीडियो आपका इंतजार जो कर रहे थे ना, उसकी वीडियो है। ये है यामा RX 100 की। आपने टाइटल थंबनेल तो देख लिया होगा, वो कंप्लीट हो चुकी है। क्योंकि लास्ट वाली जो वीडियो थी उसके अंदर बाइक तो कंप्लीट हो गई थी, बट उसमें जो तीन चीज़ रह गई थी, जैसे हमारा लेग गार्ड हो गया, साइड जाल हो गया और छोटी मोटी चीज़ें इंजन का स्टिकर, तो वो सब रह गया था। इस वीडियो के अंदर फाइनली पूरी कंप्लीट हो चुकी है। माफ़ी चाहता हूँ, बहुत देर इसलिए लगी क्योंकि भाई जैसा बता रहे लॉकडाउन के बाद जो काम खुला है और उसके बाद मार्केट पूरी तरीके से नहीं खुली है और वर्कर सब छुट्टी पे जा चुके हैं, तो जितना हो सकता है वो सब कर करके थोड़ा सा टाइम लगा। कोई बात नहीं, सबर का फल मीठा होता है। बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखिए बाइक कैसी बनी है और लास्ट में दूंगा इसकी कुछ डिटेल, तो लास्ट जरूर देखना। पहले देखते हैं इसके सिनेमेटिक शॉट, पूरे मज़ा आएगा देख के। उसके बाद एक राइड लेंगे छोटी सी और फिर इसके बारे में दूंगा डिटेल। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। भाइयों को सिनेमेटिक्स में तो मजा आया होगा। अब देखते हैं इसके चला के, उसके बाद जैसे मैंने बताया दूंगा डिटेल कितना खर्चा है, क्या है सब कुछ। चलिए बिना देरी के चलाते हैं इसको। दोस्तों रोड पे ले आए हैं, पेट्रोल फिल कराए थे, अलग ही मज़ा आ रहा है यार। तो दोस्तों पेट्रोल डलवा लेते हैं, इंडिकेटर दे दिया है। ये सब जो लुक होती है ना भाई, यामा की अलग ही है। तो दोस्तों पेट्रोल डलवा लिया है, ग्रीन लाइट। ओ वाह भाई, अलग ही लेवल का मजा है। ओ भाई दोस्तों, अगर मैं बात करूं 2008-09 की, तो भाई इस पे मैं प्रीमियम मतलब इस कब साथ पता नहीं क्या क्या करता था, प्रीमियम मारता था भाई, स्टैंड मारा करता था। मतलब बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई इसके मेरे साथ, अलग ही फील है भाई, अलग ही फील। मजा आ गया भाई चला के, दिल खुश हो गया। ये जो लुक है ना दोस्तों, अलग ही भाई। मतलब पता क्या लगता है, छोटा सा बच्चा था, कहीं भी ले जाओ कुछ भी कर लो। जब मैं छोटा था भाई, जब तो ये
बड़े वो मतलब लगते थे भाई, अब तो लग रही है भाई छोटी सी बच्ची थी, मतलब छोटी सी कहीं भी होता है ना बच्चों क्यूट से होते हैं बहुत प्यारे से, वो है भाई बड़ा मजा आ रहा है उसको चलाने में। पुरानी यादें ताज़ा हो रही है भाई, पुरानी यादें। दोस्तों आज तक जो रजिस्ट्रेशन करी वो दूसरों के लिए करी, दूसरों के जितनी यादें थी उनको ताज़ा करा। ये मेरी लाइफ की मतलब मेरी खुद की पहली बार मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन करी है और अलग ही फील आ रही है भाई कि मतलब सारी इमेजिन मतलब जो मैं पहले स्टंट मारा करता था जाया करता था भाई, मतलब वो सब यादें ताज़ा हो रही हैं इसमें। Awesome भाई, मजा आ गया लिटरली, बहुत मजा आ रहा है, दिल खुश है बहुत ज्यादा। अब इसको चलिए चल के थोड़ी बात करते हैं, इसको रखता हूँ संभाल के, शॉप पे जाके खड़ी करता हूँ इसको, अपने कलेक्शन जहाँ मेरी सारी बाइकें लगी हुई हैं वहाँ जाकर ना और थोड़ी बात करते हैं। और इस वीडियो में आपको हिंट और दे दूँ, मेरे पास एक चीज और है 1975 मॉडल। जी हाँ दोस्तों 1975 मॉडल एक और है, उसकी भी रजिस्ट्रेशन की वीडियो जल्दी आ रही है। जितनी भी मेरी पुरानी है ना भाई सबको रजिस्टर कर रहा हूँ सबको। चलिए इसको खड़ी करता हूँ, देता हूँ आपकी थोड़ी इसकी डिटेल। तो देखा दोस्तों अपने बाइक में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है चलाने में, मतलब अलग ही दिल को खुशी मिल रही है कि आप नहीं बता सकता, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जो मेरे पास बाइकें आती हैं रजिस्टर करवाते हैं उनके साथ एक अलग ही यादें जुड़ी हुई होती हैं लोगों की, कि भाई मेरे पापा चलाया करते थे, मेरे पापा चलाते हैं, उनको गिफ्ट देना, ये सब बड़े भाई को देना है। तो एक ना उनके जब बाइक डिलीवर होती है उनके चेहरे पे चलाने पर एक अलग ही स्माइल आती थी, आज वो मेरे दिल से अंदर से निकलनी, मतलब भाई ये जो बाइक खड़ी है ना अलग ही चीज़ है। बचपन में कभी चलाया करता था, स्टंट मारा करता था, पता नहीं क्या क्या करता था। एक वीडियो और इसके बाद की आ रही है जो मेरी शुरू से, जैसे कई लोगों ने इसके और पार्ट नहीं देखे होंगे कि क्या क्या हुआ इसके, क्योंकि इसके ज़्यादा पार्ट हो जाएंगे जैसे ये लास्ट पार्ट है इसका, तो अब कुछ लोगों ने बीच का हिस्सा नहीं देखा, तो मैं एक वीडियो इसकी और बनाऊँ जिसके अंदर शुरू से लेकर एंड तक की स्टोरी और इस बाइक की दूंगा मैं उसके अंदर डिटेल कि मेरे पास कब से है ये, कैसे मेरे साथ शुरुआत हुई, सब कुछ। मतलब बहुत ही मज़ा आएगा आपको सुन के भी, वो स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। तो बहुत जल्दी उसके ऊपर मैं वीडियो ला रहा हूँ कि कैसे कैसे मेरे पास आई और अब कैसे क्यों इस बनाई है, सब कुछ डिटेल में। अब बात करते हैं इस बाइक की डिटेल की। दोस्तों इसके अंदर जो है, अब कई लोग बोलेंगे भाई खर्चा कितना है, दोस्तों जैसा कि भाई आपको बताया मैंने ये मेरी पुरानी यादें हैं, तो भाई इसमें मैंने खर्चे में वो है ना कहानी टाइटैनिक, खर्चे में कोई कमी नहीं है, खर्चे में कोई नहीं, टाइटैनिक नहीं यार जुरासिक पार्क था, खर्चे में कोई कमी नहीं है। वो होते हैं ना एक अंकल जी होते हैं बुड्ढे से, वो कहते हैं खर्चे में कोई कमी नहीं छोड़ी, वही वाला हिसाब। इसके अंदर अगर मैं अपना एस्टीमेट लगाऊं तो मेरा एस्टीमेट आ रहा है 60 से 65 हज़ार रुपये का। बहुत से लोग बोलेंगे भाई मैं 20 हज़ार में बना दूंगा, मैं 30 हज़ार में बना दूंगा, भाई बना लो यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी चीज़ मैंने अपने लिए तैयार करी, मैंने हर पार्ट क्रोम कराया। आप देख सकते हैं कि भाई इंजन इसका क्रोम कराया है, बफिंग नहीं कराया, इसके हब अगले शॉकर लैग ये सब क्रोम कराई है मैंने, पेंट इसमें मेटैलिक पेंट कराया जिसमें पर्ल डाले हमने कई सारे, इसमें 7-8 पर्ल हैं। और अलग ही मतलब वो ना धूप में जब निकलती है, आपको कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, धूप में जब निकले अलग ही चीज़। मैंने इसकी हर एक चीज़ ओरिजिनल डाली, इंडिकेटर हो चाहे एक एक वायर हो चाहे वो एक एक नट बोल्ट, इसके नट बोल्ट किट तक नहीं डाली, मतलब टोटली सामान इसमें जो हमारी फिटिंग का है वो डाला है नया। इसके अंदर जो पिछले जो रिम देख रहे हैं आप, रिम है इसके अंदर ओरिजिनल, ताकि रश ना आए क्योंकि खड़ी गाड़ी रहेगी रश बहुत जल्दी आता है, तो मैंने ओरिजिनल रिम लिए। ओरिजिनल रिम यामा के मिल नहीं रहे थे तो मैंने लिए TVS के, जो विक्टर वगैरह बाइक हैं उसके लिए 18 इंच के सेम साइज़ होता है हमारा, तो वो चीज़ लिया है। टायर्स में डाले मिशलिन के, ओरिजिनल टायर इसलिए डाले भाई वो बहुत ज़्यादा पतला, अगर आप देखो ना टायर यामा और पतली लगती है और कभी ना वो स्कीड बहुत जल्दी होती है, तो मैंने डाले मिशलिन के टायर। क्या चलानी नहीं है, इतनी नहीं चलानी, कभी कभार गली वली में तो निकालेंगे। और इसके अंदर 2 से 3 चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको लोकल हैं, जो मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ। एक सीट कस्टम मेड है और इसका जो मेन स्टैंड है वो ओरिजिनल नहीं मिला था बट मैंने ऑर्डर कर दिया, बहुत जल्दी मिल जाएगा। एक चीज़ और है, होप आप भाइयों को पता चल गया होगा क्या है, कुछ आइडिया नहीं बताऊँ बताऊँ बता दूँ चलो बता देता हूँ। इसका पिछला मरगार्ड लोकल डाला क्योंकि ओरिजिनल नहीं मिल रहा था, इसलिए वो आपको पहले बता रहा हूँ कि ये 3 चीज़ इसमें है लोकल, लोकल कह सकते हो या वेंडर कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, लोकल है ओरिजिनल नहीं है। तो होप आप भाइयों को मज़ा आया होगा ये बाइक देख के और आपको पसंद भी आई होगी। और मैं जैसे मैंने बताया एक धमाका और आ रहा है, वो धमाका क्या है, 1975 मॉडल कुछ है मेरे पास, उसको कर रहे हैं रिस्टोर, बहुत जल्दी उसकी वीडियो आ रही है, पहले करेंगे उसको स्टार्ट उसके बाद करेंगे रिस्टोर। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, मैंने वीडियोज़ का मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियोज़ के साथ, तक बी सेफ राइड सेफ ड्राइव सेफ।